सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जितने भी बटन्स आपको नीचे दिख रहे हैं सबको दबा दो, और अगर आप सबको दबाओगे तो आपको भी बहुत अच्छी बैटरी वाला और हाई परफॉर्मेंस वाला फोन मिलेगा मेरी तरफ से। बिल्कुल, ये देंगे, फ्री देंगे, हम तो बहुत फेमस हो गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी के, और बहुत ही फ्रेश, कमाल, एक्साइटिंग, धमाकेदार, शानदार, मतलब क्या मैं उसको बोलूं, एक बहुत ही कमाल शानदार एपिसोड में, जहां पे मेरे साथ में है, मतलब दोस्तों यहाँ पे जो वीडियो है ना, ये बड़ा ही कमाल होने वाला है, और ऐसे में हम बहुत ही कमाल बातें करने वाले हैं विराट के साथ में। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। विराट, कॉन्ग्रेट्स, वेलकम। मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, मेरे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि अभी रिसेंटली आप मैच खेल गए हैं और आज हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं जी। और परफॉर्मेंस में स्टार्ट कर लेता हूँ, एक मेरे को वर्ड दिमाग में आ गया है, परफॉर्मेंस। और आपकी जो परफॉर्मेंस है बेसिकली मैचेस में, मतलब कमाल हमने देखी है आज तक, और मतलब ना मेरे ख्याल से शायद सभी जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कोशिश करते होंगे, मैं भी इन्फेक्ट करता हूँ कि काश हम कभी उस लेवल तक पहुँच पाए। और इनफैक्ट अभी आप जो हैं वो बन गए हैं फास्टेस्ट 11,000 रन कंप्लीट करने वाले कैप्टन। तो आपके लिए बेसिकली परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस मेरे लिए एक डेली बेसिस पे एक एक्सीलेंस को अचीव करना है, और आई थिंक उसके लिए एक माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक आपका वो इन प्लेस है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ज़रूर होगी, क्योंकि आप डेली बेसिस पे अपनी मेहनत पूरी करते हैं, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग हो, चाहे खाना हो, चाहे आपकी सोच हो, जो आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो परफॉर्मेंस एक आउटकम है मेरे लिए, जो जर्नी है, जो बिहाइंड द सीन्स जो काम होता है वो मायने रखता है ज़्यादा। वैसे सॉरी भाई, बीच में आपको कट करता हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है, खाना या माइंडसेट या ट्रेनिंग? माइंडसेट जो है उस पर सबसे ज़्यादा काम लगता है, क्योंकि खाना खाना नहीं खाना, ट्रेनिंग करना नहीं करना, ये छोटी बातें हैं, माइंडसेट एक जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो दोस्तों वैसे ना शायद मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है बिकॉज मेरा माइंडसेट अच्छा है, खाना और ट्रेनिंग मैं कभी मिस कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने अभी मतलब रिसेंटली मेरे को मालूम चला कि आपने एसोसिएट किया है ब्रांड आईकू के साथ जी, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन कि आपने आईकू को चूज किया? आईकू बेसिकली मैंने पहले भी एसोसिएशंस किए हैं, बट आईकू मेरे लिए एक डिफरेंट तरीके का एक अपॉर्चुनिटी था टू बिल्ड अ ब्रांड। ओके, आई थिंक वो एक जो उस चीज में जो एक्साइटमेंट है, उनका एक विजन था कि आईकू के साथ यू नो एक ऐसा हम डिवाइस लॉन्च करें जो प्रीमियम परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक उस चीज से मैं काफी कनेक्ट कर पाया, रादर देन कि जस्ट किसी चीज को प्रमोट करना। आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी जो होती है कि आपको पता है कि आप एक ब्रांड के साथ एसोसिएट कर रहे हैं जो आपके देखते देखते ग्रो हो सकती है आपके साथ, और आपका उससे जो थॉट पैटर्न है बिहाइंड द ब्रांड वो एग्जैक्टली सिमिलर है। तो एसोसिएशन जब आया मेरे पास तो इट वॉज अ नो ब्रेनर, और पिछले अगर आप कुछ सालों से देखें तो मैं वही चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूँ जिसमें मुझे बिलीफ हो और मुझे ये पता हो कि हाँ मैं एक सही चीज लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम उसको ग्रो कर सकता हूँ। तो आईकू मेरे लिए जब आया और जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ आया वो मेरे लिए नो ब्रेनर था। हाँ बोलना, तो आई थिंक हम बात करें परफॉर्मेंस की तो शायद आईकू का सिनोनियम या विराट का सिनोनियम आईकू आपस में हो सकता है एक दूसरे के लिए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, आई मीन आपने परफॉर्मेंस की, फिर वही चीज है कि आप भी जब अपने रिव्यूज करते हैं तो एक लोगों को समझ आता है कि ये डिवाइस है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उसके प्लस पॉइंट्स हैं और जो भी उसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस जो है उसको पुट टुगेदर करने का, आई थिंक वो एक चीज़ जो है वो मुझे एक्साइट करती है। तो आईकू का जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिला और क्या माइंडसेट था एक कैटेगरी में अपने आप को इस्टेब्लिश करने का, तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ थी। और फ़ोन की परफॉर्मेंस जब मुझे पता चली तो आई थॉट यार दिस इज समथिंग एक्साइटिंग, कि मतलब एक यू नो कॉम्पिटिशन में घुसना उसकी एक अलग एक्साइटमेंट होती है, तो इट वॉज वेरी नाइस। अभी आपने बोला कैटेगरी में अपने आप को एस्टेब्लिश करना, और ये बात किसी से छुपी नहीं है, हमने पता नहीं कितने सालों की कितनी लिस्ट निकाल के कभी भी कुछ भी देख लो, नंबर वन बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो आपके लिए पर्सनली, इफ आई फील लाइक इफ आई आस्क यू कि आपके लिए पर्सनली वॉट इज लाइक द अल्टीमेट परफॉर्मेंस? मेरे लिए अगेन
मेरे लिए आउटकम इतना मैटर नहीं करता. ओके. क्योंकि मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैं ऑन अ डेली बेसिस अपना प्रोसेस कैसे लुक आफ्टर करता हूँ अपने आप को. और परफॉर्मेंस बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आज के वर्ल्ड में इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि हम लोग प्रोसेस पे फोकस नहीं करते. हम लोगों को सिर्फ रिजल्ट चाहिए. आप किसी को देख के बोलते हैं हाँ मुझे ये रिजल्ट चाहिए, लेकिन वो उसके पीछे क्या काम लगता है. मेरा पैशन उसमें है, और जब आउटकम उस चीज़ का एक जो रिवॉर्ड होता है वो उस तरीके से आगे निकल के आता है. तो जब आप लार्जर पिक्चर के लिए एक चीज़ को फोकस में रख के आप मेहनत करते हैं, और जितनी मैंने अगर आप सिंक की बात करें, ब्रांड के साथ कनेक्ट की बात करें, जितनी मैंने कॉन्वर्सेशन भी करी जो लोग हैं रिस्पॉन्सिबल इस ब्रांड को क्रिएट करने के लिए, उनका इथॉस बहुत अच्छा है कि मतलब हमें एक लार्जर विजन है जो बहुत अच्छा विजन है. वो ये नहीं है कि हमें ऑब्वियसली आप अपने ब्रांड को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हमें कमर्शलाइज करके निकल जाना है यू नो मार्केट से. इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट लोगों के लिए जो एक ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट हो. तो मेरा उसी में बिलीफ है कि आप काम ऐसा करो कि लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिले. ऐसा नहीं कि हाँ आज कर रहा है, छह महीने बाद किसी और को देख लेंगे, उसके बाद किसी यू नो मैं उन चीजों में बिलीव नहीं करता. तो एक प्रोसेस का जो इम्पोर्टेंस है वो मेरे लिए सबसे बड़ा पैरामाउंट है. नंबर वन होना ना होना वो सब आई थिंक आउटकम एज अ रिवॉर्ड आता है बाद में. तो दिस इज लाइक कम्प्लीटली रेजोनेटिंग विद योर थॉट प्रोसेस. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एंड हेंस द एसोसिएशन और एक्साइटमेंट भी उसी चीज से होती है कि आप कुछ कोई नई चीज को सक्सेसफुल बनाना, किसी नई आइडिया को सक्सेसफुल बनाना, उसका एक अलग चार्म है, उसका एक अलग सेटिस्फैक्शन है. वो एक सिस्टम में घुस जाना और उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देना कंपेयर टू एक विजन प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना, बहुत बहुत फर्क है उसमें. विराट, लेकिन ना एक दिमाग पे सवाल आता है, और सवाल जो है वो मतलब सिंपल भी है मुश्किल भी है, कि आपकी परफॉर्मेंस हम इतने टाइम से देख रहे हैं, लाइक इट हैज बीन कम्प्लीटली थोरोली कंसिस्टेंट बैक टू बैक. पता नहीं आपने कितने हंड्रेड्स बना लिए, कितने फिफ्टीज बना लिए. आपको मतलब ऐसा क्या है जो आपको बार बार पुश करता है कि और लाइक व्हाट इज द क्वेस्ट फॉर यू नो. आई मीन क्वेस्ट तो माई क्वेस्ट इज ऑलवेज गोइंग ऑन एंड ऑन. मतलब ऐसा नहीं है कि इट विल स्टॉप, क्योंकि मुझे पता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क कितना होता है. तो जब वो आपको चीज़ समझ आ जाती है और आपको समझ आता है कि जो आप कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में एक बहुत कम समय, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, तो आप उसको और डबल मेहनत से करते हैं. कई बार हम क्या करते हैं कि हम लोग कुछ अचीव करके वी सिट बैक. तो मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता, और यही एक रीज़न है कि मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जिस पोजिशन में मैं हूँ. बहुत आसान होता है सोचना कि हाँ आप सक्सेसफुल हो गए, अभी हो गया थोड़ा सा पीछे. वेरी फ्यू पीपल गेट द चांस टू डू समथिंग गुड, टू डू समथिंग प्रोडक्टिव. तो मेरा पैशन उसी से आता है. चलो थोड़ा सा ना अभी सीरियस क्वेश्चन छोड़ के मैं एक फन वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया है कि चलो इमेजिन कि अगर आप एक स्मार्टफोन हो जहाँ पे कुछ टच फंक्शन भी है और सारे लाइक फुली फंक्शनल स्मार्टफोन हो, तो ऐसा कौन सा एक फीचर होगा जो आप चाहेंगे कि मतलब यू शुड बाय डिफॉल्ट हैव इट. बाय डिफॉल्ट आई थिंक ग्रेट बैटरी लाइफ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि 50 ओवर तक टिके. पचास ओवर नहीं, टेस्ट मैच तक टिकनी चाहिए, वैसी बैटरी होनी चाहिए. और आईकू में वो है. ओके. और बहुत अलग अलग कमाल के फीचर्स हैं जो आई थिंक एक फ़ोन में जब आपको इतने फीचर्स मिल जाते हैं तो आप वैसे ही सेटिस्फाई होते हैं. लेकिन अगर मैं दो चीज़ें पॉइंट आउट करूँ तो ग्रेट बैटरी लाइफ और एक रैम जो है, जो रिस्पॉन्स होता है फ़ोन का, वो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आप अच्छा कैमरा डाल सकते हैं, आप यू नो बाहर से दिखने वाली, जैसे मैंने बोला परफॉर्मेंस वाली चीज़ें आप डाल सकते हैं, लेकिन फ़ोन अंदर से कैसा है, उसके अंदर लाइफ क्या है, वो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उससे आपकी असली परफॉर्मेंस पता चलती है. जो अगर उस पर मेहनत करी हुई है तो देन यू आर थ्रू, यू आर डन. मैं वैसे इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ, बैटरी, लेकिन साथ में फास्ट चार्जिंग भी. लेकिन वो भी फीचर है. बट फॉर मी आई थिंक दीज टू थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज मेरी बैटरी यूजुअली लास्ट. आई थिंक जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए दिस इज अगेन अ ग्रेट थिंग दैट द फोन चार्जेस यू नो ऑलमोस्ट 95% इन 30 मिनट्स, व्हिच आई थिंक इज आउटस्टैंडिंग. तो बट मेरे लिए आई थिंक दीज टू फीचर्स विल मैटर मोर, द रिस्पॉन्स
एंड अ ग्रेट बैटरी लाइफ। दोस्तों बाकी कुछ और सवाल हैं वो मैं आगे वाले दूसरे वीडियो में पूछने वाला हूँ और उसमें कुछ और आपको इंटरेस्टिंग आंसर मिलेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अगर इतना ही है, यूट्यूब में होता है हम बोलते हैं आपको मालूम है शायद क्या बोलना होता है लास्ट में, लाइक शेयर वगैरह कर दो यार जो भी बोलते हैं वीडियो में एंड में जो भी है, जितने भी बटन्स आपको नीचे दिख रहे हैं सबको दबा दो और अगर आप सबको दबाओगे तो आपको भी बहुत अच्छी बैटरी वाला और हाई परफॉर्मेंस वाला फोन मिलेगा मेरी तरफ से। हाँ बिल्कुल ये देंगे, फ्री देंगे तो बहुत फेमस हो गए तो। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको सुनने बाद अगर आपका कोई मतलब सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक बटन शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम। क्या स्पीड है यार, लास्ट में ऐसे होता है।